कि जिंक लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिए और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। इस चीज को देखिए, सब कुछ वर्ड में लिखा हुआ, तो सब कुछ वर्ड में लिखा हुआ तो इसको क्या कहेंगे कि वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो जो है वो केमिकल इक्वेशन और उसके बैलेंसिंग से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, उसको बैलेंस किस तरह से किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप जो है केमिकल रिएक्शन का मेरा वीडियो जो है अगर देखे होंगे तो यहाँ पर वो चीज़ जो है ज़्यादा समझ में आएगी आज का वीडियो। तो जा करके अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइए और इस वीडियो को देखिए, तब जाके समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे रिलेटेड होता है केमिकल इक्वेशन से। तो मैं बता दूं, मैं हूं धर्म सिंह एंड योर मोस्ट वेलकम इन योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल हिग्स क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो उसके लिए ये डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, यानी सिंबल और फार्मूला के हेल्प से जो है केमिकल रिएक्शन को जो लिखा जाता है उसी चीज को द सबस्टेंस इन्वॉल्व इन नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टेंस इन्वॉल्व होते हैं उसको सिंबल या फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी चीज को कहा जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो सोडियम है उसको आप कैसे लिखेंगे, फार्मूला के तौर पे Na लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला या सिंबल उसका क्या हो गया, Na हो गया। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट जो किया जाता है उसी चीज को कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन को फार्मूला या सिंबल के हेल्प से जो है केमिकल इक्वेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इसके लिए देखिए, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड। ये क्या है, शॉर्ट हैंड मेथड है, मतलब अगर कहा जाए कि जो है जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो इसको जो है लिखना काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट में हम कैसे लिखे उसी चीज को कहा जाता है, और इसी चीज को हम फार्मूला और सिंबल के हेल्प से जो है हम छोटा करके लिख सकते हैं, बड़ा ही कम टाइम में लिख सकते हैं, इसी चीज को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग देख लें कि जैसे जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और करेस्पॉन्डिंग साल्ट बनाता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहां पर दिस रिएक्शन कैन बी, इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि जिंक लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिए और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। इस चीज को देखिए, सब कुछ वर्ड में लिखा हुआ, तो सब कुछ वर्ड में लिखा हुआ तो इसको क्या कहेंगे कि वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन है। अच्छा, इसमें क्या है, वी कैन चेंज द वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल एंड फॉर्मूला। ठीक है, इस वर्ड इक्वेशन को जो है वर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सिंबल और फार्मूला में। और सिंबल और फार्मूला में लिखा, नेक्स्ट जो है टॉपिक लिखा हुआ, पुटिंग द सिंबल एंड फार्मूला, ठीक है, ऑफ ऑल द सबस्टेंस, सारे सबस्टेंस का फार्मूला और सिंबल जो हम जब लिखेंगे तो ये रिएक्शन किस तरह से दिखने लगेगा। ये रिएक्शन देखिए, जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट का होता है Zn SO4 और हाइड्रोजन गैस का होता है H2। ठीक है, तो इस साइड में, यानी लेफ्ट हैंड राइट साइड में जो है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो क्या है, रिएक्टेंट है। ये सारे क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें लिखी हुई है वो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एरो से दिखाया जाता है। यहां पे आइए, फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के वो कौन कौन से फीचर होते हैं। तो रिएक्टेंट, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि रिएक्टेंट हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं,
और जो है उसको प्लस साइन से, अगर दो तीन चार रिएक्टेंट है तो उसके बीच में प्लस साइन लगा होता है। दूसरा है प्रोडक्ट जो है हमेशा कहाँ रहते हैं, राइट हैंड साइड में रहते हैं, और दो प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट या ढेर सारे प्रोडक्ट के बीच में जो है वो प्लस साइन दिखाया जाता है। यहाँ पे है तीसरा पॉइंट जो है द एरो पॉइंटिंग टूवर्ड द राइट हैंड साइड, ठीक है, एरो जो है किधर की तरफ शो किया जाता है, राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट की साइड की तरफ, बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, एरो जो है वो रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है। यहां पे ये एग्जांपल जो है फिर वही एग्जांपल है, जिंक है, H2SO4 है, इधर जो है रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट साइड को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है। यहां पे ये एरो है जो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। यहां पे जो बन रहा है ये H2SO4, ये है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किधर लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे कि जो है केमिकल इक्वेशन के क्या फीचर्स होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के आई रिपीट फिर से रिपीट कर दूं कि जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और दो रिएक्टेंट तीन रिएक्टेंट या ढेर सारे रिएक्टेंट के बीच में जो है प्लस साइन लगाया जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट लिखा जाता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और साथ साथ जो है उनके बीच में बहुत सारे अगर प्रोडक्ट होंगे तो इनके बीच में प्लस साइन दे दिया जाता है, जिससे पता चल सके कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है बने हैं। उसके बाद एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो है एक एरो साइन दिखाया जाता है, और ये एरो साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को, याद रखिएगा। अगला जो है पॉइंट है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल क्या इक्वेशन होता है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले देख लीजिए, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग, जैसे जिंक है, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है, एलिमेंट है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स है, ठीक है, तो इनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के समझाया गया है कि जिंक को जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया गया है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना है। अब इसमें काउंट कर लेंगे जितने रिएक्टेंट के जो एटम मॉलिक्यूल होंगे वो जो है काउंट कर लेंगे, और क्या वो प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है, तो आइए देखते हैं। यहां पे इस रिएक्शन में नंबर ऑफ, यहां पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ये दोनों जो है दिखाया गया, यहां पे नंबर ऑफ जिंक जेडन जो है एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, एक इधर भी है और एक इधर भी है, यहां भी है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां पे देखिए दो है, तो इधर भी कितना है, दो है, ठीक है, दो दो का है। नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम देखिए यहां पे इस रिएक्शन में एक है, तो यहां भी एक है, ठीक है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में एक एक है। यहां पे ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है, O4, ठीक है, यानी कि चार एटम है, तो इधर भी कितने हैं, चार 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 है, ठीक है, तो यहां पे चार चार है, ठीक है। तो यहां पे जितने रिएक्टेंट है जितने प्रोडक्ट है वो दोनों क्या है, इक्वल नंबर, ठीक है, यानी इक्वल नंबर ऑफ एटम है। तो देयर इज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तब वो क्या कहलाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशन में जिसमें नंबर ऑफ एटम एलिमेंट जो है वो बराबर होंगे प्रोडक्ट के एटम एलिमेंट से डिफरेंट टाइप के, तो वो कहा जाएगा कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ऊपर का जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहां पे अनबैलेंस क्या है, ठीक इसी के उल्टा, ठीक है। जैसे अनबैलेंस क्या होता है कि जब रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट के वो जो है अनइक्वल होंगे प्रोडक्ट से, तो उसको कहा जाएगा अनबैलेंस। ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में इनका जो एटम का नंबर होगा डिफरेंट एलिमेंट के वो अलग अलग होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखिए बॉक्स में, वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उसके फार्मूले को जो है वो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे है एक एग्जांपल के तौर पे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पानी बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, जैसा कि पीछे हम लोग किए हैं। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में देखिए कितना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में दो है और इधर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, दो है। तो यहां पे दो और दो है हाइड्रोजन एटम, तो ये बैलेंस है, इक्वल नंबर है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में दो है और प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटा, एक है, ठीक है, यहां पे दो और एक है, तो ये क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। तो हम लोग पहले बोल चुके हैं, पहले जान चुके हैं कि जब अनइक्वल नंबर हो, ठीक है, तो वो केमिकल इक्वेशन जो है अनबैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इट इज कॉल्ड अनबैलेंस। द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस बिकॉज इट सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि इसको इसलिए बैलेंस किया जाता है या बैलेंस ही होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जो है वो सेटिस्फाइड कर देता है, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो गया कहाँ। अगर अनबैलेंस इक्वल अनबैलेंस होगा तो बाकी जो है मास जो है वो कहाँ गया, बाकी नंबर ऑफ एटम गए कहाँ, ठीक है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब है सम रूल अबाउट द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स है, उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड या एलिमेंट को जो है हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वी कैन ओनली मल्टीप्लाई ए सिंबल और फार्मूला, ठीक है, फिर सिंबल या फार्मूला को हम लोगों को जैसे 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करना होता है। इट विल बी गुड टू नोट हियर दैट द एलिमेंट विच एग्जिस्टेड, ठीक है, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से एटम जो है वो डाईएटॉमिक फॉर्म में होते हैं या ट्राई एटॉमिक या मोनो एटॉमिक, ये जानना बहुत जरूरी होता है कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो है अकेले रहना चाहते हैं इसलिए इसको इसकी एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक होती है, ठीक है। क्लोरीन, F2, I2, ठीक है, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना चाहते हैं क्योंकि ये अगर एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे तो बहुत रिएक्टिव होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इनका जो एटॉमिसिटी होती है वो डाई एटॉमिक होती है, ठीक है। इसी तरह ओजोन जो है वो ट्राई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, टेट्रा एटॉमिक में आपका P4 है, फॉस्फोरस है, और सल्फर जो है आपका ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, नेचर में। यहाँ पे एटॉमिसिटी देख लीजिए, इसका भी डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन में एक मॉलिक्यूल में दो एटम होगी तो उसकी एटॉमिसिटी डाईएटॉमिक होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर बात कर लिया जाए हीलियम, नियॉन, आर्गन की, तो ये जो है अकेले रहते हैं, इसमें एक ही एटम मौजूद रहता है इसलिए इसकी एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक होती है। उसी तरह से सल्फर में देख लिया जाए तो वो जो है 8 एटम के साथ जो है कंबाइनली एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो इस तरह से उसकी एटॉमिसिटी जो है वो ऑक्टा एटॉमिक हो जाती है। आइए आगे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो रे भाई, यहां पे एक स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको इसका डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम जो है दोनों तरफ प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में इक्वल करना ही, इक्वल करने की जो प्रोसेस होती है उसी चीज को कहा जाता है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द सिंपल केमिकल इक्वेशन बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, तो सिंपल छोटे मोटे जो इक्वेशन है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से हम लोग जो है बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए कि हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बर्न करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को हाइड्रोजन को दिखा देंगे ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड में और इधर जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए प्रोडक्ट साइड में, वाटर, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो काउंट कर लीजिए, ठीक है, तो यहां रिएक्टेंट साइड देख लेंगे
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इधर कितना है बेटा, अब तो आप बता ही दोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में दो है, तो प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर दो है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर है, तो नंबर ऑफ बराबर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना है, दो है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक है, इधर दो है रिएक्टेंट साइड में, इधर एक है, तो यहाँ पे दो है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे एक है, तो ये क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन एटम जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर टू ऑक्सीजन एटम ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, देयर आर टू, हाँ मतलब रिएक्टेंट साइड में कह रहा है कि दो ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में जो है राइट हैंड साइड में जो है एक ही दिखाया गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी मल्टीप्लाई वाटर बाय टू एंड राइट टू एच टू ओ सो दैट। ठीक है, तो हम टू को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो पीछे का रिएक्शन था। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन है इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उस रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम को रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अब की बार कितना है, रिएक्टेंट साइड में देखिए हाइड्रोजन एटम कितना है, यहाँ पे दो है। ठीक है, तो इधर भी प्रोडक्ट साइड में कितना है, चार होगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ 2H2 है, चार होगा। ठीक है, अब की बार ऑक्सीजन एटम कितना है, ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में दो है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में अब ये देखिए दो हो गया। ठीक है, तो दो हो गया, अब ये जो है बैलेंस है और ये वाला जो है वो क्या है, अनइक्वल नंबर है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस किया जाएगा, देयर आर टू हाइड्रोजन एटम, देयर आर टू हाइड्रोजन एटम ऑन लेफ्ट साइड बट फोर हाइड्रोजन एटम ऑन राइट साइड, इधर जो है फोर हो गए, इधर जो है टू हो गए, तो अब ये अनबैलेंस हो गया, अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी मल्टीप्लाई इट बाई टू। ठीक है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है, जिधर कम है उधर टू से, यानी रिएक्टेंट साइड में दो कम पड़ रहा है तो दो से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दो से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इधर कितना हो गया, यहाँ पे लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के एटम हम आयन को जो है काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना है, रिएक्टेंट साइड में यहाँ देखिए जो है चार हो गए। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में कितना हो रहा है, इधर भी प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे कितना हो जा रहा है, चार हो जा रहा है, यहाँ पे चार चार। ठीक है, तो ये इक्वल है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में दो है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, दो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक चीज यहाँ गलत हो गया है बेटा, इसको मैं डिलीट कर दूं। ऑक्सीजन एटम कितना है, ऑक्सीजन एटम है टू, ऑक्सीजन एटम है टू, तो ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दो दो है, तो ये भी जो है बैलेंस कर गया। जो है यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दो दो हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। नाउ केमिकल इक्वेशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, सो दिस इज अ बैलेंस। अब जो है ये बैलेंस हो चुका है, तो किस तरह से अनबैलेंस है बैलेंस किया गया, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, बाय दिस वे वी कैन बैलेंस द इक्वेशन, इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इसका मिलेगा, बैलेंसिंग कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। ये तो सिंपल केमिकल इक्वेशन थे, उसको आसानी से बैलेंस कर लिए, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टेंथ में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देखना। ठीक है, और किस तरह से टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को कितना ज्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव बनाना है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों से जुड़ जाइए, और हम लोगों को मिल करके बनाना है हिग्स फैमिली, और ये बहुत बड़ी फैमिली आगे चल के बनाना है, तो धीरे धीरे हमसे जुड़ते रहिए और इसको एक बड़ा ग्रुप बनाते रहिए, और ये एक एजुकेशनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।